हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। जिसने भी लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो यार जाके वो वाला वीडियो देखे ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी बता देता हूँ आपको। सो लास्ट वाले एपिसोड में ना, मैं और लेस्टर गए थे एक बिजनेस बिल्डर यानी कि कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास गए थे, क्योंकि हम लोगों को एक शोरूम बनाना है। भाई मैं ऐसे तो जाके डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, तो इसके लिए मैंने पकड़ा है एक डेस्टिनी बोल के एक कंपनी है, उसके कंस्ट्रक्शन बिल्डर जो भी ओनर है उससे मिल के हमने बात किया था। उसने मेरे को 3 ऑप्शन दिए थे, एक होटल का ऑप्शन दिया था और एक शोरूम, और एक इतना बड़ा शोरूम था ना वो, लेकिन वो लॉस सैंटोस में ही था, वो सैंडी सोस या तो पलीटो जो बोला पलीटो के से था, तो उसकी वजह से मैंने नहीं लिया है। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से किसके घर को, भाई माइकल के घर को जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं थे। तो भाई साहब मैं उधारी ले रहा हूँ टेक्नो गेमर से, तो उसकी वजह से अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ पे टेक्नो गेमर को मिलने के लिए। और ये इतना स्किड हो रही है ना मेरी यहाँ पे सियान, भाई बंदा यहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए खड़ा था मैं ताकि इंट्रो दे दूँ, लेकिन कमीना बंदा के मारने की कोशिश कर, तो भाई मैंने बोला कि भाई इसको कद्दू भी जाने नहीं दूंगा। सो अभी यहाँ से मैं जाने वाला हूँ टेक्नो गेमर्स के घर को यानी कि माइकल के घर को। यहाँ पे देख लो यार, नंबर प्लेट देख लो यार, कस्टम नंबर प्लेट है RIZ547। अभी मेरे को जब न्यू जो भी आएगा वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए ना यहाँ से मैं भगाता हुआ जा रहा हूँ टेक्नो गेमर्स का घर ना, वो रहता है भाई साहब वो एक अच्छे खासे सिटी में रहता है, तो वहाँ तक जाने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है ना। मैं रहता हूँ ये कोई तो भी सस्ता सा जो भी वो जो होता है ना भाई एरिया, वहाँ पे रहता हूँ, लेकिन जो टेक्नो गेमर है भाई वो एक पॉश एरिया में रहता है भाई, क्योंकि वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था। अभी हमारे साथ मिलके वो भी एक चोर बन चुका है यानी कि क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन अभी हम लोगों को क्रिमिनल केसेस से दूर हटना पड़ेगा भाई, क्योंकि लेस्टर ने साफ सीधा बोल दिया है कि अभी हम लोगों को कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं करना है बोल के। सो अभी यहाँ पे आता हूँ भाई साहब, इसकी जो भी सेक्रेटरी थी वो भी यहीं पे है, और जो भी बिजनेसमैन यानी कि कंस्ट्रक्शन जो भी था वो भी यहीं पे है। सो अभी ना इसको जो भी बातचीत करनी थी मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो भी पैसे थे मैंने दे चुका हूँ। सो ये कह रहा है कि भाई ये ऑलरेडी थोड़ा सा काम शुरू कर चुका था, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी जो भी थे ना ऑनलाइन ही लेस्टर ने ट्रांसफ़र कर चुका था एडवांस पेमेंट, इसलिए ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। भाई मैं यहाँ पे फुल पेमेंट नहीं किया था, तो इसकी वजह से अभी ना वो शोरूम रुक चुका है, बना नहीं है। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से उसी लोकेशन पे ताकि मैं देख सकूँ कि लाइक क्या बन रहा है भाई शोरूम। इसने तो कहा था कि भाई ये 2 ऑफ्टियर का शोरूम बनाने वाला है, भाई 2 फ्लोर्स होंगे, इतना बड़ा शोरूम बनाएगा ये, क्योंकि ये हाईवे में भी है, तो इसे बहुत कुछ बोला था। भाई साहब हम लोग $25 मिलियन दे रहे हैं भाई ये शोरूम के लिए, और मेरे पास गाड़ी अभी तक लेने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे को जाना है किसी से मीटिंग करने के लिए, वो आगे जाके बताऊंगा किससे मीटिंग करनी है, लेकिन अभी के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लोकेशन पे। भाई साहब भाई कितना बड़ा है यार ये शोरूम यहाँ पे, भाई साहब देख लो यार, यहाँ पे एक रैंप है जहाँ से हम लोग गाड़ियों को लेके अंदर जा सकते हैं। भाई इतना बड़ा शोरूम, भाई मेरे थोड़ा, भाई साहब इतना बड़ा शोरूम, मेरे को अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा। अभी भी ना ये पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, आधा बीधा हुआ है। अभी देख लो यार यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई है, अभी भी कुछ चीज़ें नहीं लगी है, क्योंकि हम लोग पूरा पेमेंट नहीं किया है ना, तो उसकी वजह से ना ये पूरा बनाया नहीं है, आधा बीधा बना हुआ है। तो हम लोगों को अभी जो भी पैसे थे हमने फाइनली पूरे दे चुके हैं। भाई मेरे को नहीं पता था कि भाई मैं क्या करने वाला था यहाँ पे, और मैंने बोला था कि लाइक टेक्नो गेमर्स के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, और उसने ना थोड़े पैसे मेरे को ऑनलाइन भेज दिए थे, तो मैंने ऑनलाइन वहाँ पे बिजनेसमैन को भेज दिए थे, और थोड़े चाहिए हम लोगों को यहाँ पे ना गाड़ियों के साथ ट्रक्स लेने के लिए जाना पड़ेगा,
तो इसलिए अभी हम लोगों को वहाँ पे कैश ही देना पड़ेगा भाई, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे ना लेस्टर किसी से बात करके हम लोगों को कम पैसों में ट्रक्स दिला रहा है भाई। हालांकि वो न्यू नहीं है ट्रक, सेकेंड हैंड होंगे। मेरे पास अभी के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं न्यू ट्रक्स खरीदूं, लेकिन लेस्टर ने कहा है कि वो ऑलरेडी न्यू जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि पेंट वगैरह करके दे रहा है वो बंदा उनके। मेरे को नहीं पता कैसे है, एक बार जाके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा भाई। सो अभी मैं यहाँ पे टेक्नो गेमर्स के घर के पास आ चुका हूँ, अभी इसका वेट कर लेते हैं भाई। इसका वेट करना मतलब इतना वेट करवाता है ना माइकल। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, लेट्स सी कि कब तक आता है। सो फाइनली यहाँ पे माइकल आ चुका था भाई साहब, पैसे लेके आ चुका है माइकल भी, उसके पास भी थोड़े पैसे थे वो भी लेके आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कॉल लेस्टर को, क्योंकि वो भी हमारे साथ आने वाला है भाई, क्योंकि वही एक बंदा है जो हम लोगों को गाड़ियाँ दिलाने वाला है, मतलब वो जो ट्रक्स है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको मिल के ही जाना पड़ेगा, या तो भाई उसको साथ ही लेके चला जाऊँगा। भाई साहब सियान का कलर देख लो यार, जो नियॉन लाइट्स के साथ जो दिखता है भाई। और मेरे को ना बेनी ने बोला था कि भाई ये जो सियान के जो टेयर्स है ना, वहाँ पर भी स्मोक डाल के दूँगा, अगर तुम्हें कभी टाइम मिला तो लेके आना, फ्री होके मैं करके दूंगा मॉडिफिकेशन बोल के। उसे भी लाइक जाके मिलना पड़ेगा मेरे को। अभी ना थोड़ा सा आगे आता हूँ, ये थोड़ा सा सिटी स्क्वायर बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा सिटी स्क्वायर के पास आता हूँ, यहाँ पे रुकने के लिए बोला है मेरे को लेस्टर। सो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि लाइक जब तक वो आएगा तब तक। भाई साहब लेस्टर इतना जपाता है ना, लेस्टर और माइकल बहुत वेट करवाते हैं भाई। लेस्टर को दोबारा से मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि भाई वो कहाँ पे है आज पूछने के लिए, और मैंने इसको लाइव लोकेशन भेज दिया था कि मैं इधर ही हूँ बोल के। सो अभी देख लो यार, यहाँ पे ना इतना वेट करवा रहा है लेस्टर, मेरे को नहीं पता कि भाई कहाँ से आ रहा है भाई। अगर जल्दी लेस्टर आ गया तो हम भी चले जाएंगे। भाई साहब ये कौन आया यार यहाँ पे, कोई तो यहाँ पे सस्ती सी जी वैगन लेके आके यहाँ पे पोल तोड़ चुका है, अभी दोबारा से यहाँ पे एक यू टर्न मार के आ रहा है भाई। भाई साहब पूरा ब्लैक माफिया कार लेके आ चुका है भाई यहाँ पे लेस्टर। भाई मेरे को आगे वाले आईनक से दिखा भाई, मिरर से, कि वो लेस्टर है। भाई साहब देख लो यार, इसकी चौड़ी अलग है भाई लेस्टर की। भाई बंदा लंगड़ के चलता है, लेकिन जो उसकी हवा है ना भाई साहब, मैं क्या बोलूँ भाई। गाड़ी चला रहा था भाई, आके बैठ गया कि भाई तू चला ले बोल के। अभी मेरी सियान को इधर ही पार्क करके मैं जाने वाला हूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, लोकेशन दे चुका है लेस्टर यहाँ से हम लोगों को। भाई साहब हम लोगों को जाना है डॉक एड के साइड भाई। भाई साहब डॉक एड इतनी दूर है ना यहाँ से। भाई लेस्टर अगर बोलता ना मेरे को डॉक साइड जाना है, तो भाई साहब मैं माइकल को इधर ही ड्रॉप करके लेस्टर को सियान में चला जाता भाई। ये इतनी स्लो जा रही है ना, मेरे को फास्ट कार चला चला के आदत हो चुकी है। अभी ना ये जा रही है 115 या 120 की स्पीड में, लेकिन कुछ भी कहो यार, जो कलर दिख रहा है भाई, माफिया लुक दिख रही है भाई। और मैंने गलती से यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले लिया था। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भाई साहब खतरनाक वाला रिवर्स मार के मैं निकलने वाला हूँ डॉक एंड पे। भाई साहब यहाँ पे देख लो यार, जो ही खतरनाक वाला सनसेट हो रहा है भाई। ये जो खतरनाक वाला ब्रिज है ना भाई, इतना बड़ा ब्रिज है, ये इतने सारे रूट्स को एक कनेक्ट करता है ना, क्योंकि डॉक एंड जो है भाई हमेशा एक समंदर के बाजू ही रहता है। सो यहाँ पे जो लॉस सेंटास का समंदर है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है भाई। कुछ भी कहो यार, हैंडलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल वाली है। भाई साहब देख लो यार, यहाँ पे कितने सारे ट्रक जा रहे हैं भाई, फैंटम ट्रक बोलते हैं इसको, जो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं इतने बड़े बड़े ट्रक्स। आई डोंट नो कि लाइक लेस्टर कौन से ट्रक यहाँ पे बात किया है लेने के लिए। अभी जहाँ पे हम लोग ट्रक ले रहे हैं, एक ट्रक पड़ रहा है मेरे को $10 million भाई। $10 million भाई, भाई साहब $10 million में मैं इतना कार्स लेके आ सकता हूँ ना, लेकिन मेरे को पड़ रहा है 10 million एक जो भी ट्रक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे लोकेशन पे आ चुके हैं।
माफी चाहता हूँ। अभी लिस्टर बोलता है कि भाई 10 मिलियन डॉलर के अंदर ना दो ट्रक्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। मैंने सोचा कि भाई 10 मिलियन में मेरे को एक ट्रक मिलने वाला है। अभी मेरे पास थोड़ा सा कैश है और हमारा जो माइकल है उसके पास थोड़ा कैश है। अभी यहाँ पे लिस्टर का दोस्त जो है वो आ चुका है यहाँ पे हम लोगों को बात करने के लिए। इसका बॉस जो है वो अभी के लिए नहीं है, वही बंदा यहाँ पे हम लोगों को देने के लिए आ चुका है कीस वगैरह जो ट्रक की। अभी ये बोल रहा है कि भाई ये जो ट्रक है ना ये लेके जाओ, ये कार मैं लेके जाता हूँ और पैसा जो भी है गाड़ी के अंदर रख देना, मैं लिस्टर के घर पे डिलीवर करवा दूंगा जो भी आपकी कार है बोल के। सो मैं और माइकल ने जो भी हमारे पास कैश था हमने रख चुका है। अभी यहाँ पे रात हो रही है भाई, अभी हम लोग इसको भी बात करके इसको भी टाटा बाय बाय बोल देते हैं क्योंकि हम लोगों को भी जाके सोना है, रात हो रही है भाई। अभी ट्रक ले चुके हैं मैं और यहाँ पे माइकल और एक ट्रक ले रहा है, लिस्टर हमारे साथ आने वाला है भाई। मैंने पहले सोचा कि भाई लिस्टर कार में आ जाएगा, हम दोनों ट्रक लेके जाएंगे, लेकिन लिस्टर बोलता है कि भाई उसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दे देंगे, सो हम लोग इसी में जाएंगे बोल के। सो अभी यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं टेक्नो गेमर के घर को, क्योंकि मेरे जहाँ पे लोकेशन है ना वहाँ पे रहती है बलैस गैंग और वो ब्लू पर्पल गैंग, कोई तो गैंग है भाई, ग्रीन गैंग, बहुत सारे गैंग्स रहती है। तो अभी मैं वहाँ पे लेके जाके रोकूंगा ना भाई, बंदे इतने चोर चकारी होती है ना उस लोकेशन पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ना गाड़ियों के साथ भाई ट्रक भी रोक देगा, ट्रक भी लेके चले जाएंगे, गाड़ियाँ भी लेके चले जाएंगे। इसलिए हम लोग ये जो भी ट्रक लेके आए हैं माइकल के पार्किंग में खड़ाने वाले हैं भाई। माइकल भाई आराम से आ जाना यार, कितना ठोकेगा भाई, ये तीसरी बार या चौथी बार ठोक रहा है मेरे को टेक्नो गेमर यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर चुके हैं भाई, इतने सारे यहाँ पे ट्रक जाते हैं ना क्योंकि यहाँ पे डॉक है ना, डॉक मतलब जो भी बीच के पास होते हैं ना पोर्ट उसको बोलते हैं डॉक भाई। सो वहाँ पे डॉक के पास बहुत सारे ट्रक्स इसलिए होते हैं क्योंकि कंटेनर्स में बहुत सारा माल आता है, तो उनको भी सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई ट्रक चाहिए ना इसलिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल करके आ चुके हैं मेज बैंक के नियर बाय। भाई साहब यहाँ पे इतनी ट्रैफिक हो रही है ना भाई, रात हो रही है लेकिन फिर भी ट्रैफिक जमी पड़ी है और मेरे को नहीं पता कि टेक्नो गेमर क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों को ना कुछ भी करके इस जो बिजनेस को है भाई बड़ा बनाना पड़ेगा। सो फाइनली यार मैं आ चुका हूँ अपनी ट्रक को लेके नियर बाय माइकल के घर के पास, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेस है जहाँ पे मैं इजीली रोक सकता हूँ, मतलब पार्क कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चोरी कभी नहीं होगी क्योंकि जहाँ पे माइकल रहते हैं ना ये पॉश एरिया है, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे हाई फाई लोग रहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी रहती है रात को। भाई देखा अभी कितनी खतरनाक से पुलिस चेस करके जा रही थी। सो अभी यहाँ पे मैं आके पार्क करके अपनी ट्रक को रोक चुका हूँ। अभी यहाँ पे टेक्नो गेमर्स भी आ चुके हैं और आके भिड़ा चुके हैं भाई ट्रक को। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कैसे लेके आएंगे यहाँ पे, भाई थोड़ा सा पीछे करके लेके आ चुके हैं भाई। कुछ भी कहो यार, भाई साहब लिस्टर को यहाँ पे चोट लग गई है भाई। भाई साहब थोड़ा सा रैंप लग चुका है लिस्टर को, लेकिन गिर चुका था, सही हो चुका है पहले ही, वो भाई इसे झुक के चलता है। सो मैंने इन दोनों को बोला कि भाई तुम लोग साइड में खड़े जाओ ताकि मैं ये जो भी ट्रक है उसको साइड में लगा देता हूँ बोल के। भाई रात हो के मॉर्निंग हो रही है भाई, हम लोग कद्दू भी सोया नहीं है भाई पूरी रात। हम लोग रात को इसलिए लेके आए ये ट्रक को क्योंकि ये जो है ना रीपेंटेड हो के है, अभी हम लोगों के नाम पे नहीं हुई है, तो इसकी वजह से हम लोगों को गाड़ी ये अटक गई कहीं पे तो भी लाइक, क्योंकि पुलिस चेकिंग होती है ना, तो इसकी वजह से दिन में लेके नहीं आए क्योंकि पेपर वर्क जैसे ही होगा हम लोग लेके घूम सकते हैं। सो हम लोगों को एक दो ड्राइवर्स को भी रखना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ लम्मा से कि लाइक क्या हो सकता है भाई, क्योंकि ड्राइवर्स को भी रखना ज़रूरी है, या तो बेनी को पूछ लेता हूँ क्योंकि हमारे जो भी शोरूम बनेगा बेनी ही वहाँ पे काम करने वाला है भाई। बेनी को मैंने बोल दिया है कि भाई तू वहाँ पे जो भी अपना काम करता है तू अपने काम करते रहे अपने जो भी गैरेज है वहाँ पे, लेकिन तू हमारे शोरूम में भी आके वैसे ही काम करने के लिए मैंने उसको मना लिया है। वो फाइनली बोला कि भाई मैं आ जाऊँगा, पहले तो मना कर रहा था लेकिन उसके बाद मैंने उसको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट दूंगा अगर तू हम लोगों को हेल्प करेगा बोला, तब जाके मना भाई। अभी ना शोरूम में जो भी पैसे लगाए वो थोड़े से मेरे
थोड़े से नहीं 75% मेरा है और बाकी का जो है लेस्टर और माइकल दोनों मिलके मेरे को दे रहे हैं। 25% उन लोगों को मैं वापस से उधार देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक टैक्सी बुक की थी जाने के लिए, क्योंकि हमारी कार जो सियान है वहाँ पे खड़ी है और माइकल के जो भी कार्स थे उसका बेटा और उसकी वाइफ और उसकी बेटी कहीं पे घूमने गए तो भाई वो दोस्तों के साथ गए तो वो लेके जा चुके हैं भाई, इसलिए उनके पास भी कोई कार नहीं है। मेरे को नहीं पता कि भाई टेक्नो गेमर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं भाई वो उतर के वहीं पे रुक जाते हैं। सो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये टैक्सी वाले अलग ही लेवल का स्लो गाड़ी चलाते हैं भाई, और मेरे को नहीं पता कि ये यहाँ पे क्यों खड़ा रहे भाई। ओ यार, मैंने गलती से ना लोकेशन यहाँ का डाल दिया था और लेस्टर सो रहा था भाई वो कार के अंदर, तो उसकी वजह से वो उधर ही है भाई। भाई जैसे ही इसको पता चला कि भाई मैं उधर चुका हूँ तो भाई वो बंदा डोर खोल के जैसे ही स्लो किया रेड लाइट के लिए वहाँ पे उतर चुका है। मैंने यहाँ पे एक चोरी की गाड़ी लेके जा रहा हूँ भाई साहब, चोरी की गाड़ी घर पर लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ मेरे सियान तक भाई। मैं बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वहाँ पे न्यू कार्स भी लेके आएंगे और चोरी के गाड़ियाँ भी हम लोग कहीं से ना कहीं उठाएंगे भाई, कम दाम में मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों को एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करना है भाई अभी। सो भाई साहब देख लो यार, मॉर्निंग हो रहा है और यहाँ पे जो लाइटनिंग पड़ रही है ना मेरे सियान के ऊपर, भाई साहब खतरनाक वाली कार दिख रही है भाई सियान। ये मैंने सियान पहली कार जो है टेक्नो गेमर से चुराया था और उसके बदले हमने टेक्नो गेमर्स के कुछ काम किए थे तो इसलिए टेक्नो गेमर्स हम लोगों को रख लेने के लिए दे चुके हैं ये कार को फाइनली। क्या भाई, हम लोग चोरी किए थे, हमारी गाड़ी हो गई। सो अभी मैं और लेस्टर आ चुके थे गाड़ी को वॉश करने के लिए, क्योंकि गाड़ी चमकती रहनी चाहिए भाई, तभी मजा आएगा, गाड़ी चमकती रहनी चाहिए। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा गंदा हुआ था गाड़ी तो इसलिए मैंने धुलवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाश है, कोई यहाँ पे आदमी वगैरह धोता नहीं है तो ऑटो वाश है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ऑटो वाश करवा चुका हूँ भाई साहब। $150 लगते हैं भाई ये गाड़ी धोने के लिए, यहाँ पे $150 लॉस सैंटोस में $150 भाई कितने होते हैं भाई। अभी हम लोगों को कार के लिए कुछ डीलर्स को बात करना था तो मैं आ चुका हूँ सीमोन के पास। सीमोन जो है भाई हमारा पुराना एक दोस्त है भाई, हम लोग सीमोन को पहले काम किया करते थे, उसके बाद हम खुद अपना काम करने लग गए, तो सीमोन भाई साहब आ चुका है यहाँ पे। आने के बाद ये बोल रहा कि भाई बहुत खुश हुआ देख के बोल के, और मैं इसको पूछ रहा हूँ कि भाई तू तेरे शोरूम में इतने गाड़ियाँ रहती थी तो कहाँ पे गई बोल के। ये बोल रहा है कि भाई जितने भी गाड़ियाँ थी वो पूरी सेल हो चुकी है, और मैं गन पकड़ा था तो ये बोल रहा है कि भाई तुम गन अंदर रख लो क्योंकि मेरे को डर लग रहा है बोल के। अभी इससे हम लोग बात कर चुके हैं गाड़ियाँ वगैरह के लिए, ये बोल रहा है कि भाई मैं सप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कौन सी गाड़ियाँ चाहिए वो बस मेरे को मैसेज कर दो, मैं मंगा के दे दूंगा अच्छे दाम में बोल रहा है। लेकिन लेस्टर और माइकल बोल रहे थे कि भाई कोई और सिटी है जिसका नाम है लिबर्टी सिटी, वहाँ पे ढेर सारे गाड़ियाँ भी मिलती है कम दाम में, वो भी न्यू। और बेनी ने भी वही बोला मेरे को, लेट सी कि मेरे को क्या करना है। अभी के लिए मैं अपने जा रहा हूँ घर पे, और घर पे यहाँ पे जाने के बाद और ना मेरी जो जिसको थी भाई साहब वो लेके जा चुका है लमर, और लमर की यहाँ पे वो जो भी पुरानी फ्रैंकलिन के पास भद्दी कार थी ना बफेलो, सेम टू सेम वो थी, वो रोक के जा चुका है भाई साहब। लेस्टर अभी उधर ही अटक चुका है भाई, उसको जाना था कहीं पे डेट पे तो भाई साहब एक कार में नहीं जा सकता था, उससे उरुस पूछा तो मैंने बोला कि उरुस नहीं दूंगा, जिसको लेके जा भाई साहब सुपर कार में जाएगा तो डेट को भाई की हवाबाजी रहेगी ना, तो इसलिए मैंने अपनी जिसको को दे के भेज चुका हूँ। और उसको भाई मैंने पार्टनरशिप के लिए पूछा था स्टार्टिंग, वो मना कर रहा था क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसने भाई साहब वो हमारी हेल्प करने के लिए मान चुका है, क्योंकि भाई देखो मैं हमेशा वहाँ पर रहता नहीं हूँ तो उसकी वजह से मेरे को कोई ट्रस्टेड बंदा चाहिए। सो वहाँ पे ना भाई हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल वाले सी वो है भाई शोरूम के, हम लोग वहाँ पे बैठेंगे नहीं हमेशा, हम लोग कभी कभी मीटिंग्स पे चले जाएंगे, कोई भी अच्छी खासी कार या तो भाई साहब बहुत बड़ा कोई भी गुंडा या बिजनेसमैन आएगा तो हम लोग मीटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी वहाँ पे मैनेज करेगा, जो भी मैनेजर रहेगा वो मैं रखने वाला हूँ लमर को, क्योंकि लमर जो है भाई फ्रैंकलिन का एक अच्छा खासा दोस्त है, वो हमेशा फ्रैंकलिन की हेल्प करता है। मॉर्निंग आके मैं सो गया था भाई,
क्योंकि उससे पहली रात को मैं और लेस्टर और माइकल सोए नहीं थे भाई, पूरी रात जाग करके हम लोग पूरा काम किए थे। अभी पूरी दिन सोता हूँ, अभी शाम हो रही है यहाँ पे, मेरे को ना कहीं पे मीटिंग पे जाना है, तो इसकी वजह से मेरे पास ना कपड़े नहीं है भाई, अच्छे खासे सूट नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई अभी जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी शॉपिंग किया नहीं था उतना सारा। वो थोड़े से मेरे पास लोकल कपड़े थे, मतलब वो पुराने कपड़े हो गए थे, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि भाई अच्छे खासे कपड़े ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे ना लिस्टर को पूछा था कि कहाँ पे कपड़े, तो दो जगह वो बोल रहा था कि अच्छे खासे कपड़े हैं, और मैं कल यहाँ पे एक देता है लोकेशन और उसके घर के पास भी एक लोकेशन बोलता है, तो मैं बोला कि भाई दोनों जगह जाके चेक कर लेंगे। भाई साहब यहाँ पे आता हूँ तो भाई साहब इतना सारा खतरनाक कलेक्शन है ना इस शोरूम में, मेरे को लेना है अच्छे खासे जो भी सूट्स वगैरह है, क्योंकि मेरे पास सूट्स नहीं थे भाई। ये भी सूट एकदम नेक्स्ट लेवल वाला दिख रहा है, मैंने बोला कि भाई इसके पास जितने है ना पूरे ले लेंगे, मैक्स टू मैक्स 50 से 1 लाख होंगे भाई, $1 लाख होंगे भाई, आज खुद के ऊपर स्पेंड करेंगे बोल के मैंने बहुत सारे यहाँ पे कपड़े ले चुका हूँ, शूज़ वगैरह भाई वहाँ पे कम थे, तो इसकी वजह से मैं और एक शोरूम पे आता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे मेरे को और भी वेराइटीज़ मिल चुके हैं। मेरे को नहीं पता कि भाई यहाँ पे इतने सारे, इतनी अच्छी एरिया होने के बावजूद भी इतने सारे यहाँ पे क्राइम्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से पुलिस हमेशा यहाँ पे घूमते रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने गाड़ियों को रोका है भाई। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, अभी मैं मेकल के घर पे जाके सोने वाला हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग बिजनेस जो भी खोल रहे हैं भाई साहब, उसके अंदर अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लेके आके रखेंगे, और आप भी ना मेरे को ऑल द बेस्ट लिख देना कमेंट के अंदर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।